हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल सबके? और भाई यहाँ पर ITS के अपडेट को आए हुए, यहाँ पर 2.5 महीने का जो समय है यहाँ पर बीत चुका है और पब्लिक के यहाँ पर कमेंट आने चालू हो गए हैं कि भाई हमें अभी तक अपडेट देखने को क्यों नहीं मिला है। क्या अपडेट हमें देखने को मिलने वाला है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन यार अपडेट यहाँ पर क्यों आपको देखने को नहीं मिल रहा और इसकी एक्सपेक्टेड रिलीजिंग डेट आगे क्या होने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये भी रिमाइंड करा दूंगा कि इस बार क्या अपडेट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने आपको बहुत पहले एक महीने पहले वाली वीडियो में बताया था। तो वीडियो को शुरू करते हैं, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। लेट्स स्टार्ट। तो भाई जुलाई के एंड में यहाँ पर हमें अपने ITS में अपना सीजन 3 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिला था। देन उसके बाद यहाँ पर ये बहुत सारे कमेंट आने चालू हो गए थे कि भाई हमें अभी तक अपना वैक्ट और लोकोमोटिव है वो देखने को नहीं मिला है। देन यहाँ पर मैंने मैंने हाईब्रो से जब कन्फर्म किया तो यहाँ पर ये पता चला कि वो अपने नेक्स्ट अपडेट में अपने वैक्ट को देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि आपको वैग के साथ साथ एक उत्कृष्ट कोच भी अपने नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिलने वाला है। अब उत्कृष्ट कोच का यहाँ पर प्रूफ क्या है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर अपना शंटिंग मिशन प्ले करोगे तो वहाँ पर जो अपने कोचेज हैं उनमें से एक उत्कृष्ट कोच भी वहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो ये यहाँ पर इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें वैग 12 तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसके साथ यहाँ पर आपको उत्कृष्ट कोच भी देखने को मिलेगा। और यार यहाँ पर मैंने कुछ 2 से 3 हफ्ते पहले ये चीज़ कन्फर्म करी थी कि क्या वैग 12 यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि नहीं, तो भाई वहाँ से हमें कन्फर्मेशन यस ही मिला था कि जो वैग 12 है वो आपको देखने को मिल सकता है अपने नेक्स्ट अपडेट में। अब बात करें यहाँ पर भाई अपने उत्कृष्ट कोच की, तो उत्कृष्ट कोच हमने रेडी देख ही लिया था अपने शंटिंग मिशन में, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार आपको एक नया कोच उत्कृष्ट कोच के फॉर्म में देखने को मिले। अब बात आती है भाई यहाँ पर सीजन 3 में, तो भाई ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कि बहुत बड़े मेजर चेंजेस यहाँ पर अपने गेम में किए जा रहे हों, इस वजह से यहाँ पर अपना जो गेम है वो अपडेट जो है वो डिले हो रहा है। सबसे पहला रीज़न है कि भाई यहाँ पर हाईब्रो ने अपने पुराने गेम्स को भी अपडेट किया है, और यहाँ पर अभी 2-3 दिन पहले अपने एक लोकल ट्रेन सिमुलेटर का भी अपडेट निकाला था जो कि यहाँ पर कुछ पब्लिक को मिला था और कुछ पब्लिक को अभी तक जो अपडेट है वो नहीं मिला है। तो हाईब्रो जो यार अपने पुराने गेम्स को अपडेट करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी है उनकी टीम जो है, इसलिए यहाँ पर ITS के अपडेट में थोड़ा बहुत आपको डिले देखने को मिल रहा है। फिर भी यहाँ पर जो मैंने पूछा जिस हिसाब से मैंने बातचीत करी वहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि जो अपडेट है वो आपको अगले 1 महीने में देखने को मिल सकता है। अब यार अक्टूबर के एंड तक हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई दिवाली स्पेशल दिवाली, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, दिवाली में भी अपडेट आपको देखने को मिल सकता है और इस अक्टूबर के एंड में भी आपको अपडेट जो है वो देखने को मिल सकता है। आगे कुछ डिले होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, फिलहाल मुझे जो यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी है उसके बेसिस में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई आपका जो सीज़न 3 है वो भी ऐसा भी हो सकता है कि अभी उसको कंप्लीट करने का काम यहाँ पर चल रहा हो और उसको जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके साथ यहाँ पर हमें वैग 12 अपने किसी सीजन के किसी एक लेवल में देखने को मिल जाए। तो अभी यार ऐसा कुछ हम कन्फर्म नहीं बता सकते हैं कि आपको यही अपडेट देखने को मिलेगा, हाइब्रो के ऊपर है। यहाँ पर उन्होंने कुछ हिंट शेयर करे थे उसके बेसिस पे यहाँ पर मैं आपको एक रिलीजिंग डेट की वीडियो यहाँ पर बता रहा हूँ। कुछ उन्होंने हिंट शेयर करे थे अपने अपकमिंग अपडेट्स के और कुछ उन्होंने यहाँ पर हिंट दिए हैं अपने रिलीजिंग डेट के बारे में, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाए। तो बस उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपके कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी आप फॉलो करके मैसेज जो है वो पूछ सकते हो। अब यार बहुत से लोग अननेसेसरी मैसेज मुझसे पूछते रहते हैं तो भाई मैं उनका रिप्लाई नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? आप अननेसेसरी मैसेज मुझसे पूछते रहते हो, और कुछ दो बंदे हैं जो यहाँ पर गाली गलौज भी करते हैं, तो भाई गाली गलौज का रिप्लाई यहाँ पर उन लोगों को गाली गलौज से ही मिलता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं कभी दिखा दूंगा, लेकिन आपको अगर कुछ अच्छा मतलब सवाल पूछना है पर्सनली भी पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछना, तो अपने हिसाब से आप देख लेना, इंस्टा पे आके फॉलो कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी वीडियो के साथ। दिस इज साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।